हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं पहले की तरह आपके साथ एक नई रेसिपी शुरू करूँगी, जो है कढ़ी पकौड़ा। तो देखिए, कढ़ी पकौड़ा हम एकदम सॉफ्ट बनाने वाले हैं नई सीक्रेट ट्रिक के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने लिया है बेसन, एक कटोरी बेसन लिया है। आप अपनी जितनी आप को ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी लिया है, और नमक, मिर्च और हल्दी ली है। और ये मैंने जो मेन चीज़ है इसमें, वो हमने ली है बेकिंग सोडा। तो देखिए, मैं एक बाउल लूँगी। बाउल में हम क्या करेंगे, जो मैंने एक कटोरी बेसन लिया है वो इसमें डाल देंगे। और जो हमने सभी मसाले लिए हैं, जो नॉर्मल मसाले हैं ये, जो हमारे किचन में होते ही होते हैं, हल्दी, मिर्च और नमक, ये डाल दिया। और उसके बाद हम डालेंगे खाने वाला सोडा, जिससे क्या होगा कि पकोड़े हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो देखिए, हम जो मिक्सचर हमने डाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे ऐसे मिक्स करना है कि इसमें एक भी लम्स ना रहे, एक भी गांठ ना रहे, एकदम स्मूथ होना चाहिए। जो हम मिक्सर रेडी कर रहे हैं पकौड़ों के लिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई भी बीच में गांठ नहीं रहनी चाहिए। तो इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बस इसे एक दो मिनट तक हिलाते रहिए ऐसे। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, तभी पकौड़े हमारे क्या होंगे, एकदम बिना गांठ के सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, मैंने चला लिया हल्का सा, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपको थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे चलाते रहिए। तो देखिए, हल्का सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और एकदम ये पतला सा हो गया है, अच्छा स्मूथ सा बन गया है। ना ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही पतला होना चाहिए। तो देखिए, ये बैटर हमारा बनकर रेडी है। अब इस बैटर को कैसे चेक करना है कि आपका बैटर एकदम रेडी हो चुका है पकोड़े बनाने के लिए, तो मैंने एक बाउल में पानी लिया है। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे और ये बिल्कुल भी तलहटी में चिपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बैटर एकदम सही बना है। तो इसी तरह आप इसे चेक कर लीजिएगा बैटर को। तो ये बैटर हमारा एकदम रेडी है। अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, तो इसको अच्छे से गर्म कर लिया था मैंने पहले ही। तो अब देखिए, हम चम्मच से ही क्या है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, तो हमारे पकोड़े एकदम गोल से ही बन जाएंगे। देखिए, ऐसे थोड़े थोड़े करके मैंने सारे डाल दिए हैं। देखिए, अब ये बैच हमारा रेडी हो चुका है। इस बैच को हम अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, हल्के ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं, तो इस बैच को हम निकाल लेंगे। ये बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एकदम सॉफ्ट कढ़ी पकौड़ा आप जैसे हलवाई बनाते वैसे आप बना सकते हैं, और जिससे क्या होगा, एकदम टेस्टी कढ़ी बनेगी आपकी। आपने भंडारे में भी खाया होगा, कभी लंगर खाने जाते हैं तो उसमें भी कढ़ी पकौड़ा ज़रूर मिलता है, और कढ़ी में पकौड़े ज़रूर होते हैं जो हमें खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा।